कुंडली भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें। करण भाई का फोन आ रहा है, प्लीज चुप रहना प्लीज। हाय करण जीजू, कैसे हैं आप? मैं ना इस वक्त सैमी की गाड़ी में हूँ। ये मुझे बाइक लूक मिल गया रस्ते में, तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी। लेकिन इसने लिफ्ट क्या दे दी, ये मुझ पे गुस्सा हो रखा है, तब से लड़ाई झगड़ा कर रहा है मेरे साथ। और आपको तो पता है ना करण जीजू, जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं लोगों को पीट पाट देती हूँ। अगर मैंने इसे पीट दिया ना, तो आप मुझे बता दो कि इसे किस हॉस्पिटल लेके जाना है। दृष्टि देख, मारना बंदा नहीं है पे, आई अपना। एग्जैक्टली करण जीजू, इसलिए तो मैं चुप हूँ, इसलिए तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। ये अपना ही भाई है, मेरा मतलब है आपका भाई है, लेकिन देखिए ना कैसे भाईगिरी कर रहा है। भाई वो मैं किया गया इसने लाइन पे इसको। करण भाई मैं लाइन पे तो हूँ, मैं क्या करूँ, और बताओ ना भाई। जीजू ये कुछ लाइन वाइन पे नहीं है, आप ही इसे लाइन पे लेके आ सकते हो। तू क्यों हमारी सृष्टि को इतना परेशान कर रहा है? भाई आप इसकी साइड क्यों दे रहे हो यार? मुझे पता है आपकी साली और आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भी तो आपका भाई हूँ ना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने भाई से एक बार पूछा भी नहीं कि मैंने क्या परेशान किया है, परेशान किया भी नहीं। कोई बात नहीं भाई, ठीक है मैं भाभी से कंप्लेंट करूंगा आपकी, ठीक है कोई बात। अरे तो हमारी सृष्टि क्या पागल है क्या? भाई कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सृष्टि बिल्कुल पागल है। हेलो करण जी, जो तुम्हें स्टेटमेंट पास नहीं कर रहे, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सृष्टि पागल है, जबकि उनको पता है कि सृष्टि पागल नहीं है। थैंक यू करण जी, जो मेरी साइड लेने के लिए मेरी साइड ले रहे हो। मैंने भी तो जवाब दे दिया ना कि तुम पागल हो, ये मेरा आंसर है। करण हमें हमारी इवेंट कंपनी का रेवेन्यू दे। ये सृष्टि तुझसे बात करना चाहती है, एक सेकंड होल्ड कर। बोल ठीक है। हाय सृष्टि, हाउ आर यू? हाय ऋषभ जी, मुझे आपको बस ये बताना था कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट इंसान है, बेस्ट। ओके बाय, काट दिया फोन। अरे सृष्टि काट दिया, दोनों झगड़ रहे होंगे और कुछ नहीं है। उतरो, चलो निकलो गाड़ी से। मुझे पता ही था कि तुम मुझे अपनी गाड़ी से उतार के ही रहोगे, इतने जल कुकड़े जो हो। रिलैक्स करो, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसे किसी को बीच सड़क में नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन अगली बार मुझसे बदतमीजी की ना, लिफ्ट नहीं दूंगा, याद रखना। अगर तुम अगली बार मुझे लिफ्ट नहीं दोगे ना, तो मैं एक काम करूंगी, मैं ना ऋषभ जी को फोन लगा लूंगी, तो ऋषभ जी मुझे लिफ्ट दे देंगे। तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे, ओके? ठीक है, कर लो, ऋषभ भैया को ही फोन कर लो तुम, मेरा टाइम नहीं है। फाइन, आज है ना टाइम, कल से नहीं होगा। बात बंद कर, बेल्ट। ये हमारी कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू रिपोर्ट और ये इस साल का रेवेन्यू रिपोर्ट। अब तो दोनों को कंपेयर करो, समझो कोई हमसे हमारा बिजनेस छीन रहा है। हमारी कंपनी में कोई है जो हमारी कंपनी में रहकर हमारे बिजनेस को खोखला कर रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यार? I mean, this is a thing to be concerned for. You gotta find out. वो कोई और नहीं, मैं हूं पृथ्वी मल्होत्रा, युग पंचायती बिजनेसमैन। मैं करना चाहता हूं तुम्हें खोखला, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे सब कुछ को खोखला कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं। वैसे ये बात इन भाइयों को बहुत जल्दी पता चल गई, पर कोई बात नहीं, चल गई तो चल गई। ये दोनों भाई परेशान कितने अच्छे लगते हैं, इन दोनों को परेशान देख करना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब मुझे जो करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करना होगा, वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। कुंडली भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें।